हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा फिर से डायल इंडिकेटर को रीड करना सीखेंगे दो दिन पहले मेरा वीडियो अपलोड हुआ था डायल इंडिकेटर रीड करने का फिर से अपलोड करने का रीज़न ये है कि उस पर भर भर के गलत कमेंट्स आया है दोस्तों मैंने एक रीडिंग दिया था जिसको दो तीन लोग ही हैं जो सही आंसर दिए हैं बाकी पूरा गलत आंसर दिए हैं हो सकता है मेरे समझाने का तरीका गलत हो या तो आपने वीडियो को सही तरीके से नहीं देखा है तो दोबारा इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सही सही आंसर दीजिएगा सही आंसर देने वालों में कुछ जैसे पिंटू प्रसाद जी हैं मुन्ना सिंह जी है भवानी मिश्रा जी है इन्होंने और एक दो जन हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है बाकी गलत पूरा आंसर रीडिंग ही गलत बता दिया जब आपको रीडिंग लेने ही नहीं आएगा तो आप अलाइनमेंट कैसे करोगे आज अलाइनमेंट का वीडियो अपलोड होने वाला था बट मैंने होल्ड कर दिया फिर से आज मैं डायल इंडिकेटर रीड करना सिखा रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा इसकीप मत कीजिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों चैनल का मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों साथ ही आज माता सरस्वती का पूजा है तो आप सभी को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू वीडियो में बने रहिएगा अंत तक ये एक डायल इंडिकेटर है इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था आज मैं खाली रीडिंग देखना बताता हूँ इस डायल इंडिकेटर को अलाइनमेंट करते समय सबसे पहले फाइव एम mm का लोड दिया जाता है कितने का फाइव एम एम मैं एकदम क्लियर सिंपल तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूँ ध्यान से देखिए किस तरह से लोड दिया जाता है इस तरह से जब आप प्लंजर को प्रेस करोगे देखिए ये फाइव पे आ गया तो इस तरह से आपको फाइव एम mm का लोड देना है क्यों देना है अगर आपने सोची अभी लोड नहीं दिया तो ये खाली रीडिंग प्लस में बताएगा देखिए मैंने यहाँ पे जीरो किया और ये रीडिंग खाली प्लस में बताएगा और माइनस की ओर नहीं जाएगा क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा तो माइनस का रीडिंग हम लोग को कैसे पता चलेगा नहीं पता चलेगा दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग को फाइव एम का लोड देना है और ये जो छोटा वाला डायल इंडिकेटर देख रहे हैं इसका एक एक जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये एक एक एम mm एम है एक मतलब एक एम mm, एम दो मतलब दो एम mm, एम तो हम लोग क्या किए फाइव एम एम का लोड दे दिए अब क्या होगा डायल इंडिकेटर फाइव एम mm एम माइनस में और फाइव एम एम प्लस में आउट अगर होगा तो रीडिंग बताएगा हम लोग को मिनिमम इसका रीडिंग कितना है लेने का जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम ध्यान से सुनिए सुनिएगा जीरो पॉइंट जीरो mm. वन एम एम क्लियर है अब हम लोगों ने फाइव एम mm का इस पर लोड दे दिया अब रीडिंग कैसे लेंगे रीडिंग लेने का तरीका यहाँ पे देखिए ये जो जीरो के बाद एक लकीर है ये क्या है ज़ीरो पॉइंट जीरो वन एम एम एक लकीर दूसरा लकीर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू एम एम ज़ीरो पॉइंट जीरो थ्री एम एम फिर ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फोर एम एम जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव एम एम जीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स एम एम जीरो पॉइंट ज़ीरो सेवन एम एम ज़ीरो पॉइंट जीरो एम एम ज़ीरो पॉइंट जीरो नाइन एम एम और यहाँ पे आने से मैं बार बार बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे जब आएगा जीरो आपको नहीं लगाना है यहाँ पे क्या होगा जब टेन पे आ जाएगा तब आपको लिखना है पॉइंट वन एम एम बट किस पे किस पे प्लस पे इसको आप लोग लिख ही नहीं रहे हो दोस्तों कमेंट पे क्या रीडिंग लिया आपने प्लस पे लिया माइनस पे लिया वो कैसे पता चलेगा ये चीज़ आपको लिखना है पॉइंट वन एम एम बट प्लस में क्लियर हो गया यहाँ तक अब हम लोग समझेंगे अगर पॉइंट वन के बाद रीडिंग आता है तो क्या शो करेगा तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट वन आया पॉइंट वन के बाद पॉइंट वन वन पॉइंट वन टू पॉइंट वन थ्री पॉइंट वन फोर पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन सिक्स पॉइंट वन सेवन पॉइंट वन एट पॉइंट वन नाइन यहाँ पे पॉइंट टू क्या है पॉइंट टू किस तरफ है टेन की तरफ से है तो प्लस प्लस पॉइंट टू एम एम जीरो नहीं लगाना आगे पे जीरो पॉइंट टू ऐसा नहीं लिखना आपको सिंपल पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू भी लिखते हैं तो सही है बट रीडिंग लेने का सही तरीका ये है पॉइंट टू हो गया पॉइंट टू के बाद पॉइंट टू टू पॉइंट टू थ्री पॉइंट टू फोर पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू सिक्स पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू एट पॉइंट टू नाइन यहाँ पर पॉइंट थ्री कितना आ जाएगा पॉइंट थ्री ऐसे करके प्लस करके पॉइंट थ्री क्लियर हो रहा आप लोगों को ये आप लोगों को सही रीडिंग लेने आना चाहिए इसी को आप लोग गलत कर रहे हो और साथ में प्लस को नहीं लिख रहे हो तो इस तरफ का हम लोगों ने समझ लिया अब सेम रीडिंग अगर इस तरफ जाता है तो क्या लिखना होगा यहाँ पे जीरो है जीरो के बाद जो पहला लकीर है वो कौन सा है ये वाला न्यूनतम माप जीरो पॉइंट जीरो वन तो एक लकीर जो है जीरो पॉइंट जीरो वन अब जीरो लगाना है जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो पॉइंट जीरो सेवन जीरो पॉइंट जीरो एट जीरो पॉइंट जीरो नाइन और यहाँ पे फिर से पॉइंट वन है यहाँ से फिर से पॉइंट वन है ठीक है लेकिन आपको पॉइंट वन खाली नहीं लिखना है माइनस पॉइंट वन इसी चीज को आप लोग गलती कर रहे हो दोस्तों कि आपने रीडिंग किधर का लिया माइनस का लिया प्लस का लिया कैसे समझ में आएगा जब आप फॉर्मूले में यूज करोगे तो आपको लिखना है कि माइनस में रीडिंग आया कि प्लस में रीडिंग आया अब यहाँ पे भी सेम है इसके बाद अगर 90 के बाद इधर काटा जाता है तो पॉइंट वन वन पॉइंट वन टू पॉइंट वन थ्री पॉइंट वन फोर पॉइंट वन फाइव पॉइंट वन सिक्स पॉइंट वन सेवन पॉइंट वन एट पॉइंट वन नाइन और यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट टू एम एम लेकिन आपको खाली पॉइंट टू नहीं लिखना है मैं फिर से बता रहा हूं माइनस पॉइंट टू जीरो आपको नहीं लगाना है इसके बाद एट्टी के बाद अगर फिर से रीडिंग आता है कांटा अगर एट्टी के बाद इस तरह से जाता है तब आपको क्या होगा यहाँ पे कितना लिखा हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट टू के बाद पॉइंट टू वन पॉइंट टू टू पॉइंट टू थ्री पॉइंट टू फोर पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू सिक्स पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू एट पॉइंट टू नाइन और यहाँ पे पॉइंट थ्री 0.3 थ्री mm, एम एम फिर से माइनस में ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों तो इसको रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले अलाइनमेंट करते समय फाइव एम एम का इस तरह से लोड दिया जाता है इससे क्या होता है माइनस में और प्लस में दोनों डायरेक्शन का ही रीडिंग ये शो करेगा अगर आपने लोड नहीं दिया तो नहीं शो करेगा फाइव एम एम इसलिए दिया जाता है कि फाइव एम एम तक का आउट को आप सेट कर सकते हो उससे ज़्यादा आउट नहीं रहता है अलाइनमेंट में दूसरा आपको रीडिंग लेने का मैंने तरीका बता दिया सही से प्लस की दर से होगा माइनस की दर से होगा और रीडिंग यहाँ जब टेन तक आएगा तभी जीरो आपको लगाना है जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट जीरो टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो फोर करते हुए यहाँ पे पॉइंट वन आया उसके बाद आपको जीरो नहीं लगाना है इधर पॉइंट वन के बाद पॉइंट वन वन लिखना है पॉइंट वन टू लिखना है पॉइंट वन थ्री लिखना है बट साथ में ध्यान देना है प्लस का रीडिंग लिख रहे हो या माइनस का रीडिंग लिख रहे हो इतना ही आपको ध्यान देना है दोस्तों क्लियर है मैंने फिर से बहुत सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश किया है आप लोग दोबारा कमेंट कीजिए इसका मैं एक रीडिंग देता हूँ यहाँ पर मैं एक रीडिंग सेट कर देता हूँ अभी सोचिए ये लोड पे है फाइव एम एम का लोड दिया हमने लोड देने के बाद अब ये रीडिंग मैं आप लोगों को एक बताता हूँ यहाँ पे जीरो आ रहा है इस जगह पे यहाँ पे जीरो आ रहा है तो हम लोग जीरो को कर लेते हैं यहाँ पे सेट जीरो पे सेट कर लेते हैं इस तरह से और फाइव एम mm का लोड डालते हैं यहाँ पे फाइव एम mm का लोड डाला हमने ठीक है दिख रहा है क्लियर सबको यहाँ पे जीरो है फाइव एम mm का लोड है अब मैं एक रीडिंग देता हूँ आप लोगों को आप लोगों को एक रीडिंग देता हूँ ये रीडिंग क्या है आप लोगों को बताना ये अभी जहाँ पे रुका हुआ है ये रीडिंग क्या शो कर रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा और अगर इसका कमेंट सही सही आया तो दोबारा एलाइमेंट का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे नहीं तो फिर से आप लोगों को डायल इंडिकेटर मेरे को सिखाना पड़ेगा दोस्तों बिना डायल इंडिकेटर देखे आप लोग अलाइनमेंट नहीं कर सकते हो एक दो पॉइंट का गलत हो सकता है बट आप लोगों ने पूरा ही गलत रीडिंग दे दिया ये देखिए यहाँ पे सेट किया मैंने इस जगह का क्या रीडिंग आ रहा आपको बताना है इस जगह का क्या रीडिंग आ रहा ये तीसरा लकीर पे है मैं फिर से बता देता हूँ तीसरा लकीर पे है यहाँ पे ठीक है तो क्या रीडिंग आ रहा है इसको आप लोग कमेंट करके बताइए इसका अगर सही सही कमेंट आया आप लोगों का कम से कम दस पंद्रह कमेंट आ रहे हैं उस पर पाँच गलत होंगे दस तो सही होंगे दोस्तों तभी मैं अलाइनमेंट का वीडियो अपलोड कर सकता हूँ अगर आपने डायल इंडिकेटर ही देखना नहीं सीखा तो अलाइनमेंट कैसे करोगे फॉर्मूले में कैसे रीडिंग को यूज करोगे तो इसका रीडिंग को ध्यान से देखिए दो बार तीन बार वीडियो को देखिए उसके बाद कमेंट कीजिए दोस्तों और वीडियो अगर पसंद आया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा चैनल का मेंबरशिप नहीं ज्वाइन किए हैं तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए साथ ही पिंटू प्रसाद जी को मुन्ना सिंह जी को और भवानी सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा और सही सही कमेंट किया है साथ ही कुछ और एक दो जन हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है तो उन सभी को धन्यवाद और जिन्होंने गलत आंसर दिया है वो दोबारा से वीडियो को वॉच कीजिए और सीखिए ध्यान से देखिए स्किप मत कीजिए और डायल इंडिकेटर को रीड करना सीखिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों